दिन चार दिन से तो गालियां सुन रही हूँ, फोन रातों को भी आते हैं कि ये लड़कियां तीन तीन बजे तक जाकर मुझे फोन करके गालियां दे रही हैं। बहुत हर्ट हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। और मुंह बंद करके रखो शौहरों के सामने, बहुत मुंह चला रही औरतें, चाहे गरीब घर की हो, चाहे ऊंचे घर की हो, चाहे मिडिल क्लास के घर की हो। यू शुड नॉट ओपन योर माउथ अननेसेसरली। तीसरी जनरेशन हम अपने सामने देख रहे हैं। अगर हमने अगर कुछ सख्ती से भी कोई बात कह दी है तो आप चुप हो जाएं। अगर हमें बड़े हमारे सख्ती से कहते थे हम चुप हो जाते थे। लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कुछ बातें जो आपने इस शो में की, जैसे कि स्पेसिफिकली आपने कहा कि जब शौहर घर आता है तो आप रोटी तवे पे होते हैं, ये किया सारी जिंदगी, तो इट वाज इन माय माइंड ऑफ कोर्स एंड आई बिल्कुल एंड मे बी फॉर सम पीपल दिस माइट सूट देम, लेकिन फॉर मेजोरिटी ऑफ वुमेन आजकल की औरत को या लड़की को देखे शी इज अ वर्किंग वुमन ऑल्सो, तो उसकी एक और प्रायोरिटी भी है, वो उस तरह तो वो टेक केयर नहीं कर सकती जो कि आपकी शायद। आई हैव बीन अ वर्किंग वुमन एंड बट आई हैव बीन गिविंग रोटी टू माय हस्बैंड गरमी। आप जो डिमांड्स या जो तकाजे कह रही थी उस प्रोग्राम को हम लेकर, तो वो एक करियर को साथ लेकर चलते हुए वो तो तकरीबन इम्पॉसिबल लग रहा था वैसे पूरा होना। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही तो आप खामोश हो जाएं। मैं नानियों दादियों की तरह हूँ, अगर मैंने कुछ आप लोगों से कह दिया चले गलती हो गई, बड़ों से भी होती है। Now I feel that you regret what you said. Sort of yes. Do you actually regret what you said? कि अब times have changed या फिर अंदाज आपको लगा कि शायद मैं softer तरीके से कह सकती हाँ, थी? हाँ, ये softer जरा, क्योंकि maybe मेरा blood pressure high था. लेकिन do you realize Mrs. Khan के times have changed? माशाल्लाह आप वो कह रही हैं कि third generation अब आपके सामने नानियों दादियों की आप बात कर रही हैं। टाइम्स मूव ऑन, आप लड़के भी थोड़े बहुत बदल रहे हैं, उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन लड़कियों से उस किस्म की नहीं होती कि तुम मेरे लिए सामने यू नो जुबान बंद करके खड़ी हो, कि जुबान बिल्कुल बंद करके रहो। कुछ चीजों में आपका ये एक्शन भी था कि खामोश रहना चाहिए और आगे से ना बोले। ज्यादातर एकदम जो मुंह फट बच्चियां होती हैं, हमने उनको कहा कि एकदम आप टिट फॉर टैट जवाब ना दें, तरीके से बाद में दे दें। क्यों नहीं देंगी आप, बाद में कहेंगी ना, रिएक्शन तो आता है ना। लेकिन मिसेस खान मुंहफट बच्चियां ही क्यों होती हैं? बच्चे जो हैं लड़के जिनको एक्चुअली कभी कोई लगाम दी ही नहीं गई, लड़कियों को सिखाया जाता है, आपकी किसी बात में लड़के को सिखाने की कोई बात नहीं है। वुमन कैन आई से कि कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, अ लॉट ऑफ द टाइम्स इंस्टिगेट ही होनी है ना कोई बात। आप खामोशी से अच्छा काम आदमी के लिए कर भी रहे हो शौहर के लिए तो उसका मूड ऑफ है, वो भी तो मुंहफट हो सकता है। मतलब कुछ एजुकेशन उस साइड पे भी तो देनी चाहिए, क्या ख्याल है? ये बात सही आप कह रही हैं कि लड़कों को भी हमेशा लड़की का ख्याल रखना चाहिए, वो भी अपना घर बार छोड़कर आइए, व्हाई नॉट। और लड़कियों को देखिए ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए बस। इंटरव्यू आपका वायरल हुआ है ना, और आई एम सॉरी टू हेयर कि आपको काफी उसका बैकलैश मिला है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि इट डिड सीम कि आप एडवोकेट कर रही हैं और आजकल की लड़की की रियलिटी से वाकिफ नहीं है। आपको वैसे ये लगता है कि आजकल शादियां ज्यादा नाकाम हो रही हैं? बहुत ज्यादा, मेरे पास तो इतने डिवोर्स केसेस हैं कि आप यू विल बी शॉक्ड। अच्छा, डिवोर्स केसेस जिनकी आपने प्रॉब्लम भी दोबारा शादी कराई। एंड द रीजन इज द वुमन नॉट द गाय। आपको हमेशा ये लगता है कि औरत का रीजन नहीं, आदमियों का भी कसूर होता है। क्या करते हैं आदमी जिनका कसूर होता है? फिर लड़कियां उछल जाएंगी। ज्यादातर औरतों का होता है, आदमियों का भी होता है। अगर 60% औरत है तो 40% चले, वो जो आदमी के मसले होते हैं।